सो टाइटल पढ़ के आप में से काफ़ी लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं एक डॉग लेना चाहता हूँ लेकिन मेरे घर में बच्चे हैं, तो मेरे लिए कौन सी डॉग ब्रीड बेटर रहेगी या फिर बेस्ट रहेगी। और देखो, ये क्वेश्चन पूछना जो है ना जायज़ भी है। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में ही नहीं बल्कि जिससे आप डॉग लेने जा रहे हो उससे भी ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप कोई ऐसी डॉग ब्रीड लेकर आ जाते हो जो बच्चों के लिए परफेक्ट नहीं होती, फिर उसके बाद बाई चांस कुछ इधर उधर हो जाए, बच्चे को चोट वगैरह लग जाए, तो फिर हम उस डॉग को छोड़ आते हैं या फिर किसी को दे देते हैं। ये मैं एक्चुअली रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। मेरे भैया ने भी जो है एक जर्मन शेपर्ड लिया था, तो उनकी बेटी को जो है गलती से दांत लग गया था, तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है जर्मन शेपर्ड को छोड़ दिया। तो ऐसी सिचुएशन आपको ना फेस करनी पड़े और ऐसे स्टेप्स लेने आपको ना पड़े, तो इसीलिए आज का वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे टॉप 5 किड फ्रेंडली डॉग ब्रीड्स के बारे में, जो कि बच्चों के साथ काफ़ी फ्रेंडली रहती है और ईजिली अडेप्ट हो सकती है। और हाँ, वीडियो के एंड में आपके लिए एक बोनस टिप है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे मिस मत करना। और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे 5th डॉग ब्रीड की तरफ, जो कि है सेंट बर्नार्ड। अब देखो, ये जो डॉग ब्रीड है ना, ये बहुत ही लार्ज साइज की होती है और हमारे इस लिस्ट में ओनली लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है। इस ब्रीड को मैंने 5th नंबर पे इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें दो एडवांटेज है। सबसे पहला, ये लार्ज साइज के हैं, जिनको लार्ज साइज की डॉग ब्रीड चाहिए वो सेंट बर्नार्ड ले सकते हैं। और इसका दूसरा एडवांटेज है इनका टेम्परमेंट। आप में से शायद काफ़ी लोगों को ये ना पता हो कि सेंट बर्नार्ड को जेंटल जायंट्स बोला जाता है। ये लार्ज साइज के तो हैं ही, साथ में इनका स्वभाव जो है काफ़ी काम और काफ़ी जेंटल होता है, और बच्चों के साथ जो है ये काफ़ी इजीली घुल मिल सकते हैं। और सेंट बर्नार्ड में जो है ना एक केयरिंग वाली भावना होती है, ये सबकी केयर करना जानते हैं। हाँ, इनकी आवाज़ से और इनकी साइज से लग सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और किसी को काट लेंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। सेंट बर्नार्ड्स काफ़ी जेंटल डॉग ब्रीड्स होते हैं। अब आगे बढ़े तो इस लिस्ट में 4th नंबर पे है इंडिया में एक काफ़ी पॉपुलर डॉग ब्रीड, जिसे हम वोडाफोन वाले कुत्ते के नाम से भी जानते हैं, जो कि है पग। अब पग देखो ऐसी डॉग ब्रीड है जिसे ऑलमोस्ट हर एक फैमिली ओन कर सकती है, लाइक लिटरली हर एक फैमिली। ये बच्चों के साथ इजीली घुल मिल जाते हैं, इनमें मेंटेनेंस में उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। पूरे इंडिया में ये इजीली अवेलेबल है काफ़ी सारे प्राइस रेंज में। और सबसे बढ़िया बात होती है इनकी कि ये फ्रेंडली होते हैं, मतलब कि इनमें वो ना एग्रेसिव नेचर नहीं होता, और एग्रेसिव नेचर अगर होगा भी तो अपने साइज़ की वजह से ये उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते कि किसी को काट लें या फिर कुछ कर लें। हाँ, पग की जो है केयर करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, क्योंकि पग जो है ना एक ब्रैकिसफेलिक ब्रीड है, यानी कि इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है इनके शॉर्ट मजल की वजह से, तो इनको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवा सकते, इनके साथ भाग दौड़ उतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, इनको लंबे वॉक पे नहीं लेके जा सकते। तो छोटे डॉग होने के थोड़े बहुत फ़ायदे भी हैं, थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, लेकिन बच्चों के प्रस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, आप अपने बच्चों के लिए डॉग जो ले रहे हैं उसके लिए पग जो है काफ़ी बेटर है। ये छोटे बच्चे हो, चाहे 4-5 साल के हो या फिर उससे छोटे हो या फिर 10-12 साल के हो या फिर टीनेजर्स भी हो, तो उन सभी के लिए जो पग है वो काफ़ी एक बढ़िया चॉइस है। अब पग के तो बारे में मैंने बात की कि ये उतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होते, भाग दौड़ नहीं कर सकते, लेकिन 3rd जो डॉग ब्रीड है वो स्मॉल साइज़ की भी है और काफ़ी एक्टिव भी है। मैं बात कर रहा हूँ बीगल की। बीगल को इस लिस्ट में 3rd नंबर पे रखने का मेरा मेन रीज़न यही है कि इनका एनर्जी लेवल। अब देखो, काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मन करता है उनका कि अपने डॉग के साथ खेले कूदे। मैं भी बचपन में अपने डॉग के साथ बहुत खेला हूँ, तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने डॉग को जो है लॉन्ग वॉक पे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन एक लार्ज साइज़ का अगर डॉग हो तो एक छोटे बच्चे के लिए उसको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एक स्मॉल साइज़ की ब्रीड रहेगी जो कि एनर्जेटिक भी हो, खेल कूद बढ़िया तरीके से कर सके, भाग सके, तो उसके लिए जो है बीगल एक परफेक्ट चॉइस है। प्लस इसमें एक और एडवांटेज भी है कि बीगल काफ़ी अच्छे वॉच डॉग्स होते हैं। अगर आपको घर में चाहिए कि कोई भी बंदा है तो बीगल उसको देख के चिल्ला सके, थोड़ा भौंक सके, आपको अलर्ट कर सके, तो उसके लिए भी बीगल यूज़ किया जा सकता है। ये काफ़ी अच्छे वॉच डॉग्स होते हैं। अब इस लिस्ट में 2nd नंबर पे जो डॉग ब्रीड है वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डॉग ब्रीड्स में से एक है, और अगर मेरे बच्चे होते तो मैं यही डॉग लेना प्रेफर करता, तो ये है गोल्डन रिट्रीवर।
अब देखो गोल्डन रिट्रीवर की जो डॉग ब्रीड है ना वो पूरी दुनिया में फेमस है अपने जेंटल नेचर की वजह से। ये डॉग जो है मीडियम साइज के होते हैं जो कि एक वॉच डॉग की भी भूमिका अच्छे से निभा सकती है। काफ़ी एनर्जी लेवल हाई होता है इनका, तो खेल कूद भी अच्छे से कर सकते हैं। प्लस गोल्डन रिट्रीवर्स जो है बहुत ही फ्रेंडली डॉग ब्रीड होते हैं और हर किसी से ये इजीली घुल मिल जाते हैं, तो किसी भी डॉग ओनर के लिए गोल्डन रिट्रीवर एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। मेरे जान पहचान में भी काफ़ी लोग हैं जिनके बच्चे हैं और उनके पास गोल्डन रिट्रीवर है, तो काफ़ी आराम से रहते हैं, काफ़ी एनर्जी लेवल हाई होता है इनका, तो इनको रेगुलर एक्सरसाइज की भी ज़रूरत पड़ती है। अब फर्स्ट नंबर पे जो डॉग ब्रीड है वो मैं एक्चुअली खुद भी ओन करता हूँ और ये डॉग ब्रीड पूरी दुनिया में फेमस है अपनी नेचर की वजह से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लैब्राडोर रिट्रीवर्स की। अब देखो लैब्राडोर रिट्रीवर जो है ना इनके साथ एक टर्म जोड़ा जाता है द अल्टीमेट फैमिली डॉग, जिसके पीछे एक रीजन सिंपल सा है कि ये सच में एक अल्टीमेट फैमिली डॉग है। ये किसी भी फैमिली के साथ इजीली रह सकते हैं, चाहे आपके घर में बच्चे हो, बूढ़े हो, या फिर दूसरे डॉग हो, बिल्ली हो, या फिर आप एक कपल हो बच्चों के साथ, तो लैब्राडोर जो है हर किसी के साथ जो है इजीली एडजस्ट कर लेता है। और इन्हें चाहिए होती है बस एक ही चीज़, वो है आपकी प्रेजेंस और बहुत 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 सारा प्यार। तो लैब्राडोर जो है बच्चों के लिए एक बहुत ही परफेक्ट चॉइस है, इंडिया में काफ़ी ईजिली अवेलेबल है और इंडियन वेदर कंडीशन में भी काफ़ी इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये थी टॉप 5 किड फ्रेंडली डॉग ब्रीड्स। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के एंड में एक टिप है, बोनस टिप, तो ये जो बोनस टिप है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। तो देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको इन 5 डॉग ब्रीड्स में से ही कोई एक लेना है, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस भी होगी, कुछ शायद वो हस्की हो सकती हैं या फिर वो जर्मन शेपर्ड हो सकता है, लेकिन आप कोई भी डॉग ब्रीड लेकर आओ, कोई भी डॉग ब्रीड। इन 5 लिस्ट में मैंने जिन जिन डॉग ब्रीड का नाम लिया उनको भी इंक्लूड करके कोई भी आप डॉग ब्रीड लेकर आओ, बस मेक श्योर आप उस डॉग को और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी जो है दोनों को एक साथ मिल के रहना सिखाओ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉग जो है वो शांत रहे और आपका बच्चा जो है उसके ऊपर टॉर्चर करे, उसके कान खींचे, पूंछ पकड़ के खींचे या फिर गलत जगह पे हाथ मारे। तो कई बार डॉग्स जो है ये सारी चीज़ें टॉलरेट नहीं कर पाते और गलती से इधर उधर मुंह लगा देते हैं, तो वैसा होने से अच्छा है कि आप अपने बच्चे को भी अच्छी शिक्षा दो और अपने डॉग को भी अच्छी शिक्षा दो। ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप कोई भी डॉग लेकर आओ ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपके मन में कोई थॉट चल रहा हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हो। तो मेरा नाम है आदित्य, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।